शफा मिली है और मैंने ये गवाही भी देनी है। पहले मुझे मिर्गी की बीमारी थी और मैं यूनान में रहता था। पहले मैं बहुत दिन से दवाइयाँ ले चुका था पाकिस्तान में भी, इधर से भी, तकरीबन 10-15 साल हो चुके इस बीमारी को। और मैं जब से ये पाक कलाम सुन रहा हूँ मुझे खुदा ने शफा दिया। इस बार दवाई भी मैंने पहले भी दिया, अभी भी दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू थैंक यू, आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी शादी के लिए, तो वो मेरे मीन्स की इसी मंथ की डेट फिक्स होने वाली है। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी डेट फिक्स हो जाए। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लास्ट वीक में पास्टर जी मेरे हस्बैंड ने आपको कॉल की थी और खुदावंत के बहुत शुक्र गुजार है कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल उन्होंने ख्वाब देखा था और खुदावंत ने उन्हें आगाही दी थी आगे जाने की, तो हमने इस चीज को रिसीव किया खुदावंत के नाम में। कोविड के वजह से मैं इधर थाईलैंड में था, तो मैं अभी इंडिया वापस जाना चाहता हूँ। अभी इस 15 को एक फ्लाइट है, 29 को है, तो मैं खुदावंत से पूछना चाहता हूँ कौन से तरीके की फ्लाइट कराऊँ। अगर खुदावंत की मर्जी है मैं बाद में जाऊँ या इन्हीं देर से बीच में, मैं ये पूछ। खुदावंत पाक दा इस भाई के लिए दुआ करते हैं। खुदावंत पाक दा इंडिया वापस जाना चाहता है। खुदावंत पाक दा हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। और खुदावंत जिसका ईमान है कि खुदावंत पाक दा आप इसे गाइड कर सकते हैं, हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। नेक्स्ट अवेलेबल का लफ्ज आया, जो अवेलेबल है ले लो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, तू ब्लेस कर, तू बरकत दे, यीशु के कावे नाम। नेक्स्ट अवेलेबल जो आवाज आई, गॉड ब्लेस यू। और मैंने लास्ट थर्सडे को भाई साहब से दुआ करवाई थी, ठीक है, और इन्होंने मुझे कहा था कि आपकी कमर में और बाजू में दर्द है। भाई साहब आपको शायद याद हो कि नहीं, और मुझे फौरी उसी टाइम जो है ना शिफा मिली, और खुदावन के फजल से मैं ये गवाही देना चाह रहा था। मैं लास्ट टाइम भी कॉल कर रहा था, बड़ी कोशिश करता रहा कि कॉल मिल जाए, और बड़ी जस्तजू थी। अभी भी आधा मैसेज था तो वो भाई से पूछ ले, मैं 3-4 मिनट से होल्ड पे था, तो बड़ी जस्तजू थी कि मैं फौरी मेरी कॉल मेरे और मैं अपनी गवाही को सब लोगों के साथ और पास सबके साथ शेयर कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट ईयर राइट इट डाउन, और आप दुआ रोजे में बहुत ज्यादा ठहरे और खुदा से कह के खुदा तूने मेरे औलाद की बरकत दे दी है, एंड यू विल सी द मिरेकल। सो गॉड ब्लेस यू। मैंने गवाही देने के लिए फोन किया है, जैसे पास्टर जी ने कहा था कि आपको फ्री वैक्सीन स्लॉट मिलेगा। खुदावंत के फजल से मुझे फ्री वैक्सीन स्लॉट मिला और एक भी हमें मतलब पैसा नहीं लगाना पड़ा, और जब हम वैक्सीन के लिए जा रहे थे वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। तो खुदा ने अपने खादम के जो खुदा ने अपने खादम के थ्रू मुझे ब्लेसिंग दी, खुदा ने उस चीज़ को पूरा किया। मैं खुदा यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खुदा आपको भी बरकत दे। पास्टर जी आपको बहुत बहुत आई से इस्तेमाल करें खुदा, मेरे दिल से यही दुआ है। आपकी वाइफ जो है ना, ये गर्दन में दर्द है, आपकी वाइफ से पूछें, अपनी वाइफ से एक पूछ ले तुम। आए खुदा उसकी वाइफ की दर्द जाती रहे, खुदा भी यीशु तेरा नाम बुला इन जीसस मरी आम। नेक्स्ट हेलो जी बोले हाँ जी बोले। सर वो वॉशरूम में एक बात सुन हो रही है आपके, वो गर्दन में दर्द हो रहा है क्या? हाँ हेलो जी बोले सर, वो एक्चुअली वॉशरूम में, तो वो कह रही है अभी तो नहीं हो रही जी, अभी हमने दुआ कर दी है, ठीक है, खुदा के खादम ने दुआ कर दिया अगर दर्द हो रही है। लेकिन अक्सर उसको होती है। हाँ कहती तो है। हाँ तो बस वो ना खुदा ने शफा दी है यार, ये बोलो ना कि जो उसकी दर्द थी वो खुदा यीशु मसीह ने शफा दी है। तो गॉड ब्लेस।